ओके, सो दीज टू क्वेश्चंस आर बिलोंग टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर वन, रेट कॉन्स्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 2 × 10^-2 मोल पर लीटर पर सेकेंड. ये यूनिट है रेट कॉन्स्टेंट के की फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. एंड हम लोग जब फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर पढ़ लेंगे तो उसके बाद रेट कॉन्स्टेंट के की यूनिट कैसे निकालते हैं सभी ऑर्डर के लिए वो सीखेंगे. इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आफ्टर 25 सेकेंड इज 0.5 मोलर, देन वाट विल बी इनिशियल कंसेंट्रेशन. तो हमें क्या दे रखा है, रेट कॉन्स्टेंट के दे रखा है. तो क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पर. तो रेट कॉन्स्टेंट के दे रखा है के इक्वल टू 2 × 10^-2 यानी कि 0.02 मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट. एंड टाइम दे रखा है, टाइम टी इक्वल टू 25 सेकेंड है, ओके. एंड रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन आफ्टर 25 सेकेंड इज 0.5 मोलर, यानी कि कंसेंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है टाइम टी पर दैट इज 0.5 है. तो हम यहाँ पर इक्वेशन लगा देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की. तो क्या होती है, C0 - CT टाइम टी इक्वल टू KT, ओके. सी नॉट पूछा है क्या होगा, वाट विल बी द इनिशियल कंसेंट्रेशन. C0 - CT कितना है, 0.5 इक्वल टू K कितना है, 0.02 × 25 सेकेंड. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो 25 × 0.02 विल बी 0.5, एंड 0.5 राइट हैंड साइड के ऐड हो गया, तो जो सी नॉट आ गया दैट विल बी 1 मोलर, ओके. ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था ये. सेकेंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंपटीशन में भी आ चुका है. द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन A to P इज 1 आवर. ये जो सर्टेन रिएक्शन दे रखी है इसको लास्ट में बोला है इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. व्हेन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 2 mol/L/s. इट इज 2 mol/L, ओके. व्हेन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 2 mol/L, हाउ मच डज इट टेक्स फॉर इट्स कंसेंट्रेशन टू कम फ्रॉम 0.5 molar to 0.25 molar इफ इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो क्वेश्चन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका हाफ लाइफ दे रखा है 1 आवर जीरो ऑर्डर के लिए, और इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखा है इसका 2. तो देखो पहले हाफ क्या जो दे रखा है उसको नोट करेंगे, टी हाफ इक्वल टू 1 आवर, एंड इनिशियल कंसेंट्रेशन सी नॉट कितना दे रखा है, 2. तो इस डेटा से हम रेट कॉन्स्टेंट के निकाल सकते हैं. तो फॉर जीरो डायरेक्शन जो टी हाफ होता है इक्वल टू A0/2K, A0/2K या C0, A0 इनिशियल कंसेंट्रेशन में लिख दिया, C0/2K, और इनिशियल कितना दे रखा है 2/2 × K, और टी हाफ 1 आवर है, तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ गई, 1. इसकी यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन अभी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट के बारे में हमें सीखना है अभी. अब पूछ रहा है कि इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर कंसंट्रेशन 0.5 molar to 0.25 molar तक चेंज हो जाए तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है. तो फिर से यही क्वेश्चन लगाएंगे, C0 - कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू KT. अब इस बार इनिशियल हम कितना ले लेंगे, 0.5 molar माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी, यानी कि कितना बच रहा है बाद में. तो पहले C0 था, बच कितना रहा है, 0.25 पुट कर दिया मैंने. रेट कॉन्स्टेंट के तो चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम रिएक्शन है, तो रेट कॉन्स्टेंट के 1 हो गया, और यहाँ से टाइम निकल आएगा आपका. तो 0.5 में 0.25 का कितना बचा,
जीरो पॉइंट टाइम इक्वल टू 0.25 आर। यह आपका आंसर हो गया। इट इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके समझ आ गया। सो वी हैव डन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि अल्दो ये अधिकतर मेंशन होता है 2NH3 चेंज इनटू N2 प्लस 3H2। ये रिएक्शन तभी होती है जब इसमें प्लेटिनम कैटिस लें, यानी कि इसके कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, तो दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि एक और है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन द गोल्ड सरफेस। हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन, हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन गोल्ड सरफेस में, गोल्ड सरफेस सॉलिड है, यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड है, तो इससे क्या बनेगा H2 प्लस I2। ओके यहाँ पे टू कर दिया, दिया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बट इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो अधिकतर क्वेश्चन इसी पे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे होगी? अगर मुझे रेट एक्सप्रेशन लिखना होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो मैं पहले तो आपसे ये कहूँगा कि कोई भी रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन विच इज़ फर्स्ट ऑर्डर टाइप इज A to P। ठीक है, तो इसका रेट कैसा होना चाहिए? रेट इक्वल टू K a की पावर 1। यानी आपने रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है कि रेट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, एंड ये एक्सपेरिमेंट से आता है, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर का सम अगर 1 आ गया तो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, इसलिए बहुत सिंपल केस लेके चल रहे हैं। ओके अच्छा, अ रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इफ रेट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1। अब ध्यान देना, जैसे मैं आपसे कहूँ कि किसी रिएक्शन में, बिल्कुल वर्ड पे ध्यान देना, जैसे मैं आपसे कहूँ किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स करने से रेट 2 टाइम्स हो जा रहा है, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन 2 टाइम्स करने से रेट 2 टाइम्स हो रहा है, तो ऑर्डर उसका फर्स्ट हो गया। और अगर मैं कहूँ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स करने से रेट में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो ऑर्डर 0 हो गया। 0 ऑर्डर क्या बताता है? कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने से रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तभी तो आपने रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जब ग्राफ प्लॉट किया था तो वो पैरेलल टू एक्सिस था। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ग्राफ को आप देखें बिटवीन रेट, अच्छा रेट क्या हो सकता है यहाँ पर, इट मे बी -dA/dt, -dA/dt, और उसको किससे प्लॉट करें, टाइम के साथ। तो इस बार जिस तरह कंसंट्रेशन चेंज, जितने टाइम चेंज करोगे रेट भी उसी टाइम से चेंज होता रहेगा। ये 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स तो 3 टाइम्स, यानी कि आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा इस बार। और यही ग्राफ अगर हम जीरो ऑर्डर में हमने देखा था, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यही ग्राफ जीरो ऑर्डर में पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। ठीक है, टाइम सेकेंड में, मिनट में, इस तरीके से कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये है, इसमें रेट लिख सकता हूँ कि A की पावर 1, रेट की वैल्यू क्या हो सकती है, -dA/dt या dP/dT, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से, dx/dt। कैसे? तो इस बार मैं मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन A0 ले लेता हूँ, लेट कि टाइम t=0 पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है और ये 0 है। ठीक है, तो किसी टाइम t पर ये A0 - x होगा, और ये भी क्या बनेगा, x। तो यहाँ पर देखो, टाइम टी पर ए की वैल्यू पुट करो A0 - x, और डिफ्रेंशिएशन करोगे तो A0 का 0 आ गया, और फिर से -dx आ जाएगा, तो +dx dx/dt। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो डायरेक्टली इसको ले सकते हैं, dx/dt = K A0 - x/1। अगेन मैंने जीरो ऑर्डर में क्या बताया था, दिस इज अ डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके अब लेकिन मैंने फिर बोला आपसे कि वी वांट
रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट टाइम टी, यानी कि टाइम चेंज होने से रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा, हमें वो इक्वेशन चाहिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन। तो अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा। तो देखो क्या कैसे होगा, आप क्या करें कि ए नॉट माइनस एक्स को एक्स के साथ वेरिएबल में रख दीजिए और डी टी को दैट ले जाइए। तो डी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, और हमने डी टी इधर कर दिया, डी टी उधर गया एंड ए नॉट माइनस एक्स इस लेफ्ट साइड आ गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कुछ जो इतना तो आपको फिजिक्स में मेडिकल के बच्चों को बताया गया होगा कि वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इट इज नेचुरल लॉग एक्स, बेस में यहाँ पे ई होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस एक्स है तो इट विल बी माइनस एल एन एक्स। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन के डी टी था, तो के और डी टी का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा प्लस सी। अगेन वी वॉन्ट दिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, तो कैसे निकालेंगे इसको, फिर से वही कंडीशन लगाते हैं कि जब टाइम टी इक्वल टू जीरो होगा तो उस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो होगी। सो जब टी जीरो रख देंगे तो एक्स जीरो आ जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एल एन ए नॉट सी, नेचुरल लॉग है। सो इस सी की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स के टी माइनस एल एन ए नॉट। ठीक है, एंड इक्वेशन सेकेंड मान लिया मैंने इसको। नाउ अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो के टी क्या आ जाएगा, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स। तो ये नेचुरल, ये लॉग क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन। तो वी कैन राइट एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, यहाँ पर नेचुरल लॉग है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो अगर ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू निकालें तो इधर क्या चला जाएगा, ये ई की पावर में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, तो ई की पावर के टी। और इसको रिवर्स कर दिया हमने, ए नॉट माइनस एक्स को ऊपर, ए नॉट को नीचे कर दिया, तो ई की पावर माइनस के टी। नाउ लेट अस कंसीडर कि ए नॉट माइनस एक्स क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, राइट, ए चेंज टू पी था, तो टाइम टी पर से कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट माइनस एक्स एक्स, और इनिशियल क्या था इसकी कंसंट्रेशन, ए नॉट। तो इसको मैंने मान लिया है ए टी, ए नॉट माइनस एक्स को मैंने क्या मान लिया, ए टी, जैसे वहाँ पर मैंने सी नॉट माइनस एक्स को सी टी बोला था, और ये ए नॉट को मैंने कैपिटल ए नॉट लिख दिया, एंड ए टी इक्वल टू ए नॉट ए की पावर माइनस के टी, एक्सप्रेशन बनाने के लिए, एक्सप्रेशन बनाने के लिए। ठीक है, अब इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। देखो इस इक्वेशन से आप क्या सीख रहे हो, कि जो कंसंट्रेशन है इनिशियल रिएक्टेंट का, उसका डीके मतलब वो धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, ये ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। ओके, तो यानी कि जो ए का कंसंट्रेशन, जो ए का डीके है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ठीक है, ओके, तो ये ग्राफ हो गया, एक्सपोनेंशियल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ये इसको बहुत इनफाइनाइट टाइम तक रिएक्शन चलती रहेगी, इसमें बोलते हैं कि दैट मीन्स रिएक्शन विल टेक लॉन्गर टाइम एंड इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। जीरो ऑर्डर का ग्राफ आपने बनाया था, आप देख सकते हो ग्राफ जीरो ऑर्डर का। तो जीरो ऑर्डर में देखो रिएक्शन जा रही है, ये जो है क्या नाम, ये इस एक्सेस को टच कर लेगा, यानी कि रिएक्शन यहाँ पे फिनिश हो जाएगी, बट ये इस तरह चलता रहेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है, तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। इसलिए जो रेडियो एक्टिव डीके हैं वो कई साल तक होते रहते हैं, तो वो जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं। जो रिएक्शन बहुत टाइम लेती है कंप्लीट होने के लिए, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटर वर्ड है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब कंप्लीट होगी पता ही नहीं। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ये है और ये वाला न्यूमेरिकल्स। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जो ये एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, इसको मैंने आई मान लिया है, इसमें आप इस नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 बना लीजिए। तो आपको पता है कि लॉग नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 बनाने के लिए 2.30 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। सो वी विल मल्टीप्लाई, वी विल गेट दिस इक्वेशन, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। यहाँ पे मैंने क्या किया है,
बस इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया है. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब एक चीज़ और देखो ध्यान से, एक ग्राफ यहाँ भी और यहाँ और भी इम्पॉर्टेंट है कि ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, दिस माइनस के टी एंड ये प्लस हो जाएगा. और फिर इसको फिर से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लीजिए. देखो इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई. ओके, नाउ 2.303 लॉग 10 ए नॉट माइनस एक्स माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग ए नॉट एंड 2.303 से डिवाइड कर दिया तो लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस एक्स माइनस के अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए नॉट. ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या लिखा है, ये y है एंड दिस इज़ माइनस एम एक्स प्लस सी. तो इतना हमारा क्या हो गया, ये स्लोप हो गया एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट. तो हम किसके बीच में प्लॉट करने वाले हैं, लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन आएगा जहाँ पे ये कट करेगा वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई को जहाँ पे कट करेगा दैट विल बी इंटरसेप्ट. ठीक है, इतना हमारा क्या हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया एंड ये जो इसका स्लोप है वो के अपॉन 2.303 हो जाएगा. तो यहाँ पर काफ़ी मैथ्स है तो थोड़ा सा मेडिकल के स्टूडेंट ध्यान देंगे कि वो इक्वेशन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि डेरिवेशन इस तरीके से नहीं आएंगे, बट ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्राफ में तो बोर्ड में भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाता है, एक ग्राफ बना के दे देंगे, पूछेंगे किस ऑर्डर का इस ग्राफ का ऑर्डर क्या है. इसे मैं एक क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ. जैसे देखो ध्यान समझना, कंसंट्रेशन टाइम टी और टाइम के साथ प्लॉट मैं कर रहा हूँ, एक ग्राफ बना रहा हूँ. ठीक है, पता ना इसका स्लोप क्या है, कौन सा ऑर्डर है, और दूसरे में फिर से मैं लॉग कंसंट्रेशन टाइम टी और टाइम के साथ प्लॉट कर रहा हूँ. बेस में 10 है ये और इसका ग्राफ भी ऐसा, बताओ इसका क्या ऑर्डर है, बताओ. ऐसे क्वेश्चन आते हैं और 100% आते हैं. तो ये ग्राफ जो 0 ऑर्डर के लिए है, नेचर देखो बिल्कुल जैसा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी विद टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी विद टाइम, अगर लॉग लग जाता है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है. अभी आपने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन देखी है, तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर. ओके, इनका स्लोप क्या था, इसका के अपॉन 2.303. ओके, और इसका स्लोप क्या था, के. ओके, सो इस तरह है. अगर आपको एक चीज़ और बताऊँ मैं, अगर मैं रेट और कंसंट्रेशन में प्लॉट करूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में प्लॉट करूँ, तो अगर ऐसा ग्राफ है तो 0 ऑर्डर, और अगर इस तरह ग्राफ है तो फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रेट लाइन है ये. ओके, रेट अपॉन कंसंट्रेशन, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करता है, और जो 0 ऑर्डर रिएक्शन है उसमें रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है. ठीक है, तो ये ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा आपको. ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, दिस इसे बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड इक्वेशन बिकॉज वी हैव गॉट दिस इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, सो अब इसमें हाफ लाइफ अप्लाई करना है, तो हाफ लाइफ क्या होती है, द टाइम एट विच रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बिकम हाफ. तो हमारा रिएक्शन क्या है, ए चेंज इनटू पी, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, ए नॉट 0 और ए नॉट माइनस एक्स, और ये क्या बनेगा, एक्स. ओके, सो किस टाइम, तो जब टाइम हमारा टी हाफ होगा तो उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जानी चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, ए नॉट बाई 2, तब ये कितना बचेगा, ए नॉट बाई 2. ये वैल्यू पूरी ए नॉट बाई 2 आने के लिए एक्स शुड बी ए नॉट बाई 2, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाना, तो एक्स विल बी ए नॉट बाई 2 जब टाइम टी हाफ होगा. तो के की वैल्यू क्या आएगी, 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग
ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू. वेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन सो 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ये कितना हो जाएगा ए नॉट बाई टू, ए नॉट से नॉट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर टू हो जाएगा तो लॉग टू. लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है, लॉग टू इज 0.3010. यू कैन टेक 0.3, इसको जब पुट करेंगे तो दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेट 0.693 अपॉन टी हाफ. ओके, दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन में जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आया. तो इस एक्सप्रेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो टी हाफ है, मतलब ये क्या हो गया, टी हाफ इक्वल टू 0.693. आप इसको आगे अगर कैलकुलेट करना चाहो तो यहाँ पे 2 भी लिखा होता है कहीं, 0.6932 अपॉन के, यानी कि जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी पावर 0. तो अब देखो यहाँ पे प्लॉट कैसे मिलेगा कि अगर मैं हाफ लाइफ को इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट के साथ प्लॉट करूँ तो वी विल गेट ग्राफ पैरेलल टू एक्सिस एक्स एक्सिस. और यही ग्राफ अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए प्लॉट कर रहा था तो टी हाफ और ए नॉट में ओरिजिन से इस तरह गया था. तो बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ऐसा ग्राफ, इस तरह ग्राफ तो वहाँ पर रेट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में मिलता है जीरो ऑर्डर के लिए, और यहाँ पर हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन मिलता है. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं सारी ये, और ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग को मिल रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए. सारे ग्राफ हम लोग समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक है. तो अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में. तो इसके एग्जाम्पल मैंने जो आपको बताया था कि मीडियोकर रिएक्शन के एग्जाम्पल, वो सब इसी के होते हैं. जैसे कि नंबर वन एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव डीके. ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. ठीक है, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फॉलो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म. देर आर सम मोर एग्जाम्पल, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट. एग्जाम्पल 3 है बच्चों ये, NH4NO2. ठीक है, इसको डिट करेंगे तो बन जाएगा N2+3H2O. ओके, इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं. ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2 एंड मेनी मोर एग्जाम्पल और भी हैं. डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड इनटू 2NO2+O2. दिस इज ऑल्सो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, सो वैसे ही एग्जाम्पल एक दो याद रखो बोर्ड एग्जाम के लिए. जो कंपटीशन क्वेश्चन आता है उसमें तो जनरली मेंशन कर देते हैं, बस दूसरे पार्ट आपको करने होते हैं. तो कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम लोग देखते हैं जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, राइट. सबसे पहले हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन T50%, यानी कि टी हाफ. T50% मतलब 50% कंप्लीट हो गई है, एंड T75% टाइम, मतलब 75% कंप्लीट होने का टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये टी है बच्चों. ओके, तो देखो वी नो दैट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज C0 - CT = KT. दिस इज अ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो जब मैं बात करता हूँ कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यानी कि 50% यानी कि इनिशियल कितना था 100, उसका 50% चला गया. कुछ भी मान लो इनिशियल 2 है तो उसका 50% चला गया. तो हम जनरल 50% मतलब अगर C0 100 है तो 50% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा टाइम टी पर 50 रिएक्टेंट. देखो ये मान लो पहले 100 था 0,
फिर 50% कंप्लीट हो गया, तो 100 माइनस 50, यहाँ पे 50 बचा, तो कंसंट्रेशन टाइम टी पर कितना बचा, 50 इक्वल टू के, यहाँ पे टी क्या लिख दिया मैंने, 50%, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये किसके लिए था, फॉर 50% कंप्लीशन, फॉर टी 50% कंप्लीशन, एंड फॉर 75% कंप्लीशन टाइम्स टाइम फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ डायरेक्शन, तो इनिशियल कितना 100 माइनस, अब बताओ मुझे अगर ये 100 है इनिशियली और 75% कंप्लीट हो गई तो ये कितना बचा टाइम, फिर 25, राइट, तभी तो ये 75 बनेगा, 75% कंप्लीशन मतलब कितना हुआ, 100 माइनस 75, ठीक है, तो सी कितना बचा, 25 इक्वल टू के इंटू टी 75%। ओके, सो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई, 50 अपॉन 75 इक्वल टू, रेट कॉन्स्टेंट सेम रहेगा क्योंकि एक ही रिएक्शन की बात हो रही है, अपॉन टी 75%। ओके, सो ये कितना आ गया आपका, इट विल बी 2, 3, ठीक है, सो वी कैन राइट टी 75% इक्वल टू 3/2 टी 50%, राइट, 1.5 टी 50%। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, कभी कभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके, यानी कि अगर किसी रिएक्शन में 75% कंप्लीशन का टाइम उसके टी हाफ का 1.5 टाइम्स है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब यही रिलेशन हमको फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है, ठीक है, हमें अब क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन टी 75% एंड टी 50% यानी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो पहले इक्वेशन लिखते हैं, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, तो अब अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इनिशियली ए नॉट कितना होगा 100, और 50% चली गई तो मैंने क्या बोला, ए से पी है ये इनिशियली 100 है, अगर 50% कंप्लीट हो गया तो क्या हुआ, 100 माइनस 50 और ये कितना बनेगा 50, तो टाइम टी पर ए कितना बचा 50, देखो 100 अपॉन 100 माइनस 50 तो ये ए नॉट माइनस एक्स नीचे तो 50 बचेगा, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, देखो इट विल बी, देखो ये हो जाएगा 100 अपॉन 50 तो लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, और ये 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो एक एक्सप्रेशन बताया था वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन टी 50%, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, या फिर आप इसको इतना ही रहने दे सकते हो। अब इसमें आते हैं टी 75%, ओके, सो टी 75% कैसे लिखें, तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 75% लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 75, ओके, ये बेस में 10 है, ठीक है, सो के कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन टी 75% लॉग, ये कितना आ गया 100 अपॉन 25, ठीक है, विच इज, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि जो इसके पहले जो के की वैल्यू, उसको क्योंकि के की वैल्यू तो सेम रहेगी तो हम इसको इस वैल्यू को कहाँ गया, हाँ ये देखो इसको सॉल्व करके नहीं लिखते हैं ना, हम लोग के की ये वैल्यू लेते हैं, के की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2.303 अपॉन टी 50% लॉग, ये कितना आ गया अंदर लॉग 2 आ जाएगा ना ये, तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम लोग, के की जगह क्या पुट कर दिया हमने 2.303 अपॉन टी 50%, उसको सॉल्व नहीं करते वहाँ पर ना, लॉग 2, ठीक है, इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 75% लॉग 4, ठीक है,
और बच्चों ध्यान दो, लॉग फोर को क्या ले सकते हो, लॉग फोर को ले सकते हो 2 की पावर 2। थोड़ी मैथ्स है तो यहाँ पर जाएगा 2 log 2। क्यों? क्योंकि log m की पावर n होता है n log m, मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। सो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, 2.303/t75%, इसको ले सकते हो आप 2 log 2, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से log 2, ये log 2 कैंसिल हो जाएगा, 2.30 से 2.30 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा है आपका, वन अपॉन टी 50% इक्वल टू 2 अपॉन, ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, टी 75%, ठीक है। तो टी 75% इक्वल टू 2 × t 50%, यानी कि क्या सीखा आपने, क्या सीखा कि 75% रिएक्शन कंप्लीशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज 2 times ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। यानी कि 50% को कंप्लीट होने के लिए टाइम मान लो 2 घंटे लग रहे हैं किसी रिएक्शन को होने में, किसी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने के लिए टाइम लग रहा है 2 आवर्स, तो 75% होने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, यू विल से 4 आवर्स। और 0 ऑर्डर में कितना लगता है, हाफ लाइफ का 1.5 टाइम्स। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ठीक है। ये है एंड अब इस पे क्वेश्चन जो है, हाफ लाइफ 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब इसके आगे सेकेंड ऑर्डर ना करके हम सीधा nth ऑर्डर करेंगे, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे वहीं से, ओके? आप लोग पहले यहाँ तक कवर कर लीजिए।